कुरान करीम की वो आयत करीमा जो 11वां पारे की है और मैंने अभी तिलावत की है, उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से मुखातब हुआ है और अपनी बात कहने से पहले अल्लाह ने ईमान वालों को मुतवज्जे किया, या अय्युहल्लदीन आमनू, ए ईमान वालों। कुरान करीम अल्लाह ने सारी कायनात के लिए और सारी कायनात की हिदायत के लिए भेजा है, लेकिन बाज मकामात ऐसे आते हैं जहां अल्लाह खास ईमान वालों से बात करता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में शादी का प्रोग्राम हो, बेटे की या बेटे की, तो बाज बातें वो होती हैं जो पूरी बस्ती वालों को बैठा कर की जाती है। अच्छा, लो चाय पी लें थोड़ी सी, आपको जलन तो नहीं होगी। मैं देखो ना, मैं खाना खाया हूं ना चाय वाय पिया था अभी तक, वहां से आने के बाद सो गया था, तकरीबन 1.5 महीने से जागा हुआ हूं, 1.5 महीने से। तो जहां बैठते हैं वहीं नींद आ जाती है। मौलाना मुफ्ती यहया साहब का मैं शुक्रगुजार हूं और भगवानपुर के तमाम उलमा का, जिनकी मोहब्बत अकीदत मेरे साथ रहती है और मैं यहाँ पर आ गया। तो इन्होंने जब उठाया है मुझे अभी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अपने घर में सोए हुए हैं, और उठाया और सीधा पकड़ करके, इसलिए कि मौलाना जो होता है बोलने वाला, वो खेत का बैल होता है, जब चाहेंगे जोतना पड़ेगा खेत, है कि नहीं। तो इजाजत हो थोड़ी सी चाय पी ले, एक दो घोट। तो देखो, बाज मशवरा जो होता है वो पूरे गांव वालों को मिला करके करते हैं, करते नहीं करते। और अब मशवरा की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो मोबाइल पर ही सारा काम हो रहा है। मशवरा तो आदमी तब करता है जब बड़े बूढ़ों से पूछ कर शादी ब्याह किया जाए। वो पहले जमाने में होता था जब लड़का पूछने के बाद भी जबान खोलने को तैयार नहीं होता था। आज के जमाने में शादी पहले कर लेता है, बाप को बाद में पता चलता है। शादी लड़की सारा काम पहले कर लेती है और अम्मा को पता बाद में चलता है। तो आज तो मशवरा की जरूरत ही नहीं है साहब, बाप कौन, दादा कौन, गांव कौन, समाज कौन, कोई कुछ नहीं। हम चल हमारी और आपकी मर्जी चलेगी, तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा। होता नहीं हो रहा आजकल है? बाप बेचारा समझता है कि बेटा बंबई में कमा रहा है और बेटा तो वहां गुलछड़े उड़ा रहा है। जब बाप ने कहा बेटा पैसा भेजो, तो बेटा कहेगा अब्बा काम नहीं चल रहा है। तो बहरहाल, बाज मशवरा ऐसा होता था पहले जमाने में जब माँ बाप पूरी बस्ती वालों से किया करते थे, और बाज अंदर का मामला, बाज अंदर की बातें ऐसी होती थी जो सिर्फ अपने घर के दो चार लोगों को बैठा करके की जाती थी। बात सही है ना? बात सही है। हाँ, इसी तरह अल्लाह ने कुरान में आम तौर से पूरी दुनिया के लोगों से बात किया है, आम तौर से। लेकिन बाज मौका ऐसा आया
जहां पर अल्लाह ने सिर्फ ईमान वाले से बात किया है, सबको हटा दिया, काफिर को हटाया, मुशरिक को हटाया, ईसाई को हटाया, यहूदी को हटाया, नसरानी को हटाया, मजूसी को हटाया, सारे गद्दारों को हटाया और सिर्फ ईमान वालों से अल्लाह ने बातें की। तो अब आप बताओ कि जो बात अल्लाह ने स्पेशल ईमान वाले से खाली किया है वो बात भी तो स्पेशल होगी ना। मानते नहीं मानते इस बात को? अरे वो बात भी स्पेशल होगी नहीं होगी? हां, जब भी कोई इंसान किसी से पर्सनल बातें करता है तो वो बात खास होती है। एक बात शौहर की वो होती है जो बच्चों के सामने करता है अपनी बीवी से, और एक बात वो होती है जो रात के अंधेरे में कमरा बंद करके अपनी बीवी से करता है। ये बात खास होती है जिसको बच्चों को नहीं जानना चाहिए। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इसी अंदाज को बयान किया, इसी अंदाज को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इख्तियार किया और गोया ईमान वालों से मोहब्बत का इजहार किया है कि मोमिनो, ईमान वालों, कुरान करीम को मानने वालों, अल्लाह को मानने वालों, आखरत पर ईमान रखने वालों, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, मेरे लिए स्पेशल हो। तुम खास हो, मेरे खास बंदे हो, मेरे खास लोग हो, मेरे महबूब हो, इसीलिए कुछ बातें मैं खास करता हूं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान लाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, कुरान करीम को मानने वालों, अल्लाह की कुदरत को मानने वालों, कयामत के दिन को मानने वालों, कब्र की सजा और जजा को मानने वालों, तकदीर पर ईमान रखने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, मैं यहूदी से ये नहीं कह रहा हूं, नसारा से नहीं कह रहा हूं, मुशरिकों से नहीं कहता हूं, काफिरों से नहीं करता हूं, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे खास बंदो, जब तुमने मुझे अल्लाह मान लिया, जब तुमने मुझे अपना सब कुछ मान लिया, तो अब मेरी ये बात मानो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? और कहा किससे? कि तुम मेरे स्पेशल हो, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझसे डरो, अगर तुम गैर होते तो मैं तुमसे नहीं कहता कि डरो। अल्लाह मियां क्यों डरूं? डरने से फायदा क्या है? फरमाया कि डरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब रब की अदालत लगेगी तो तुम मुजरिम बन करके नहीं आओगे, मुस्कुराते हुए आओगे। मुजरिम बनकर कौन आता है? जो दिल से डर निकाल देता है वो मुजरिम है नहीं। देखो, पुलिस का डर नहीं तो चोरी करेगा, पुलिस का डर नहीं तो, और पकड़ा गया तो, मां का डर नहीं तो गुनाह करेगा, और जब पकड़ा गया तो शर्मिंदगी होगी। जब जब
इंसान डरता है तो गलत काम से रुकता है, जब जब इंसान का डर खत्म होता है वो गलत काम करता है। देखो रोड पर आप गाड़ी लेके जा रहे हो दो चक्का, अचानक लाल बत्ती जल गई, आपकी गाड़ी जाती है या रुकती है? जो रुक गया वो बच गया, जो डरा नहीं गाड़ी लेकर आगे चला उसको फाइन देना पड़ा 1,000, 2,000, 3,000 रुपया। देखो मुजरिम है नहीं, जो बत्ती से डर के रुक गया वो बच गया और जो रुका नहीं वो फंस गया। फंसा नहीं फंसा है? तो अल्लाह ने क्या कहा कि मुझसे डरो, किसे डरो, डरोगे तो अल्लाह की अदालत में मुस्कुराते हुए आओगे, और अगर डरोगे नहीं तो चोरी करोगे, जिना करोगे, शराब पियोगे, झूठ बोलोगे, गीबत करोगे, मां को मारोगे, बाप को मारोगे, नमाज छोड़ोगे, रोजा छोड़ोगे, और जब आओगे तो पिटाई होगी। एक आदमी के दिल में अल्लाह का डर हो और वो झूठ बोलेगा? बोलो भाई। एक आदमी अल्लाह से डरता हो वो शराब पिएगा? एक आदमी अल्लाह से डरता हो वो रोजा छोड़ेगा? एक आदमी अल्लाह से डरता हो वो नमाज छोड़ेगा? एक आदमी अल्लाह से डरता हो वो माँ को मारेगा? एक आदमी अल्लाह से डरता हो वो जिना करेगा? तो देखो गुनाह से बचने की दवा अल्लाह ने बताई कि गुनाह से बचने की दवा क्या है। अरे बोलो भाई, गुनाह से बचने की दवा क्या है? दिल के अंदर अल्लाह का डरना। एक मरीज का डॉक्टर ऑपरेशन करता है और क्या कहता है, देखो भाई एक महीने तक आप गोश्त नहीं खाओगे, मछली नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे। तो दो तरह का मरीज हॉस्पिटल से निकल कर आता है। एक वो मरीज जो डॉक्टर की बात मान लेता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। एक वो मरीज जो कहता है डॉक्टर का काम बस यही है बेकार की बात करना, और दवा करके बिरयानी, कोरमा, कोफ्ता, कलेजी, मछली, ये वो सब खाता रहता है, 4 दिन के बाद फिर हॉस्पिटल जाएगा। देखो जो डॉक्टर से डर गया वो क्या हुआ? बच गया। जो डरा नहीं वो फंस गया। अल्लाह ने फरमाया कि ये तो दुनिया की बातें हैं मेरे बंदों, अगर मुझसे डरोगे तो कयामत के दिन बचोगे, अगर मुझसे नहीं डरोगे तो कयामत के दिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां और पांव में हथकड़ियां और मोहम्मद अरबी के सामने तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बचो। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर होता है तो गुनाहों से बचता है। हजरत सुलेमान दारानी एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। खासकर मेरे नौजवानों आपसे मैं मुखातब हूं, जरा आप ध्यान दे दो, आप मेरी बात गौर से सुनो। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं अरब के अंदर, बहुत नेक आदमी थे, जवानी की उम्र है, अभी शादी नहीं हुई। 4-5 दोस्त मिलकर पैदल हज के लिए जा रहे थे। कहां? बोलो भाई, बिरयानी का डब्बा मिल गया या अभी बचा है? अभी नहीं मिला है तो मिलेगा इंशाल्लाह, तकरीर सुनने के बाद हम भी खाएंगे आप भी खाओगे, है ना? बोलो। नहीं बोल रहा है भाई, खतरा है। बोलो भाई जोर से। हज पे कौन? हाँ, तो 4-5 दोस्तों के साथ हज पे जा रहे थे। तो पहले जमाने में जगह जगह पे दुकान नहीं होती थी, जगह जगह पे दुकान नहीं होती थी। हमारे दरभंगा जिला बिहार
वहां से लोग बंगला आते थे बैल खरीदने के लिए, हमारे दादा परदादा के जमाने में तो लोग पैदल आते थे। तो 450 किलोमीटर सामान बांध करके लाते थे रास्ते में खाने पीने का। क्यों? कि रास्ते में जगह जगह दुकान नहीं होती थी, खाने पीने का सामान नहीं मिलता था, पानी नदी और तालाब से उठा उठा कर लोग पी लिया करते थे। तो सुलेमान दारानी हज के लिए जा रहे थे, 6-7 साथी थे। रास्ते में जाते जाते अचानक खाने पीने का सामान खत्म हो गया। तो सुलेमान दुर्रानी जो बड़े खूबसूरत थे, बहुत स्मार्ट, खूबसूरत समझते हो किसे कहते हैं खूबसूरत? जो खूब फिरन लवली लगा ले, पाउडर लगा ले, क्रीम लगा ले, पॉन्ड्स लगा ले, मैसूर सैंडल से मुंह धो ले, फेस वॉश से मुंह धो ले, ये खूबसूरत है। खूबसूरत उसे कहते हैं जो कुछ ना लगाए मगर ऐसा लगे कि सब कुछ लगाए हुआ है। कुछ ना लगाए मगर क्या लगे कि सब कुछ लगाए हुआ है। और ऐसा आदमी कब लगता है मालूम? जब यहां पर अल्लाह का डर होता है दिल में, तो ईमान का नूर उसके चेहरे पे नजर आता है। तोशा खत्म हो गया, छह साथियों में से 5 साथी गांव में गए खाना पीना लाने के लिए, और ये सुलेमान दारानी वहीं जंगल में एक छोटी सी जगह थी वहां पर बैठ गए इंतजार में कि सामान जो है वो भी तो देखना है ना, दूसरा कौन देखेगा। तो उसको देखने के लिए बैठ गए। दूर एक नौजवान लड़की 17-18 साल की बकरी चढ़ा रही थी। क्या चढ़ा रही थी भाई? बकरी। उसकी नजर जब सुलेमान दुर्रानी पे पड़ी तो देखा कि अल्लाहु अकबर, चांद आसमान का जमीन पे उतर आया है, इतना खूबसूरत है। तो जाहिर सी बात है कि दिल के अंदर शैतान गंदा ख्याल वसवसा तो डालेगा ना। अरे बोलो ना, डालेगा या नहीं? आप लोगों को नहीं डालता है? भगवानपुर वाले के दिल में कोई ख्याल नहीं आता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं यार। अरे वहां तो चांद के टुकड़ा को देखकर दिल में ख्याल आया उस लड़की को, और यहां तो नॉर्मल बाजारी औरत को देख करके ख्याल बदल जाता है। और नौजवानों, तुम्हारा बदला तो क्या बदला, मेरे उम्र दराज हजरात मुझे माफ फरमा दे, हमारे बाप दादा का ख्याल भी बदल जाता है। बड़ी बड़ी उम्र वाले मोबाइल के स्क्रीन पर आहा पान चिबा रहा है, चिबा रहा है, गौर से देख रहा है। आकर के देखो तो क्या है भाई, तो पैठान का गाना है। ये बूढ़े मियां देख रहे हैं। वो नौजवान लड़की ने जब देखा सुलेमान दर्रानी को तो उसकी नीयत बदल गई, और देखा कि मौका भी अच्छा है, अकेले बैठा है, कोई है भी नहीं। वो लड़की भागी हुई आई, सुलेमान दुर्रानी के करीब आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि सुलेमान, मैं कुछ चाहती हूं। क्या कहा? मैं कुछ चाहती हूं। सुलेमान दुर्रानी समझ गए कि मौका देखकर शैतान आ गया। मौका देखकर हम लोग होते तो क्या करते? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की आ गई, बिन बुलाए, यही होता ना। अरे बोलो, यही होता ना। लेकिन मेरे मोहतरम, ये तब होता जब तुम ये समझते कि अल्लाह नहीं देख रहा है।
जिस दिन ये ख्याल आ गया तुम्हारे दिल में कि अल्लाह देख रहा है, उस दिन ये काम तुम छोड़ दोगे। क्या करोगे? छोड़ दोगे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, तारीख उठा मेरे नौजवानों, मेरे मोहतरम, तारीख उठाओ। तारीख में लिखा है सुलेमान दारानी बेहोश हो गया, जमीन पे गिर गया। हजरत सुलेमान दुर्रानी समझ गए गुनाह के लिए शैतान मौका तलाश कर कर आया है। हजरत सुलेमान दारानी बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, ख्वाब में देखा, बेहोशी के आलम में देखा मौलाना कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। फरमाया के सुलेमान कमाल कर दिया, मैं नबी था इसलिए जुलेखा से बच गया। अरे तू तो नबी नहीं है फिर भी कैसे बचा? मैं तो नबी था मेरे अल्लाह ने जुलेखा से बचाया, मैं तो नबी था मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई, मैं तो नबी था मेरे रब ने मुझे बचाया। मगर सुलेमान दारानी तू तो नबी नहीं, रसूल नहीं, पैगंबर नहीं, तू कैसे बचा? मौका पूरा था, तेरी हिफाजत कैसे हुई? हजरत यूसुफ ने सुलेमान दारानी को उठाया, सीने से लगाया। फरमाया के नबुव्वत इमामुल अंबिया पे खत्म, मगर वार सुलेमान दारानी के जो काम जमाने का नबी कर गया वो काम नबी की उम्मत कर गई। सुलेमान दारानी ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं अपने ईमान के साथ खयानत नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तू ये समझती है कि कोई नहीं, मैं ये समझता हूं कि सबका अल्लाह देख रहा है, लिहाजा मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। देखो अल्लाह का डर जब दिल में आया तो तन्हाई में, सन्नाटे में, अकेले में मौका रहते हुए अल्लाह से गुनाहों से बचा नहीं बचा। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लदीना आमनु तक्कुल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से डरो। किससे डरोगे? तो गुनाहों से बचोगे। डरोगे नहीं तो कयामत आ सकती है मगर गुनाह से नहीं बच पाओगे, चाहे वो हमारे जैसे हजरत हों या आप जैसे हों। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, गौर से सुनो, हसन बसरी के जमाने में एक लड़की थी जो अपने खाला के घर नमाज सीखने के लिए जाती थी। किस लिए? नमाज सीखने के लिए, पर्दे के साथ, हाथ बंद, पांव बंद, सब कुछ बंद। लेकिन एक मर्तबा उस नौजवान लड़की ने देखा फजर के वक्त कि जिस रास्ते से मैं गुजरती हूं उस रास्ते पे कोई खड़ा होकर अंधेरे में मुझे गौर से देखता है हर दिन, देख रहा है। एक दिन बच्ची ने देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन बच्ची ने खड़े होकर के उसको आवाज दिया, ए अल्लाह के बंदे जरा इधर आओ, ये क्या तुम अकेले खड़े होकर के हर दिन जब मैं गुजरती हूं तो मुझे देखते हो, वजह क्या है?
उस दिल जले मजनू ने कहा कि आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या हुई है बोलो भाई, क्या हुई है मोहब्बत? तो आप लोग समझते नहीं होगे, समझते हो मोहब्बत? कहा कि आपसे मोहब्बत हो गई। लड़की ने कहा वेलकम, बड़ी खुशी की बात है, आइए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलिए। वो समझा कि काम बन गया, लॉटरी बोलो ना। खड़गपुर में जाते हो और बस के बाजू वाले सीट पर एक बैठी रहती है, तुम इस साइड में बैठे रहते हो, तुम बार बार उसकी तरफ गौर से देखते हो और वो तुम्हें देखकर हंसने लगती है तो तुम समझते हो कि काम। हालांकि अंदर अंदर वो इसलिए हंसती है कि बेटा अगले स्टॉप पर उतर, फिर बताती हूं तुझे। और जब उतरा तो हील वाले चप्पल से स्वागत हुआ, समझ रहे हो? किसे? हील वाले चप्पल से स्वागत हुई इनकी। अब सारी खुशी खत्म। तो वो लड़का दीवाना समझने लगा कि अब मेरा काम बन गया, पीछे पीछे गया। अपने खाला के घर जाने के बाद अल्लाह की उस बंदी ने कहा कि आप नीचे ठहरे, मैं ऊपर से आती हूं। अच्छा ये बताओ कि मेरी कौन ऐसी चीज है जो आपको पसंद आ गई और आप मेरे दीवाने हो गए? कहा कि तुम्हारी आंख बहुत प्यारी है। क्या तुम्हारी आंख क्या है? बहुत प्यारी है। कहा अच्छा, मेरी आंख बहुत अच्छी लगी आपको? कहा हां। कहा ठीक है, तशरीफ लाइए। ए नौजवान, हेलो, इधर देख ले यार, मेरी तकरीर सुन ले, अपनी तकरीर बाद में करेगा। कहा कि मेरे पीछे आओ, लेकर गई और खाला के घर में नीचे उसे बैठाया और खुद ऊपर चली गई। अल्लाह अकबर। किचन में जाकर चाकू उठाया, जवान लड़की है, 16-17 साल की उम्र है, चाकू उठाया, अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ा, छोटा सा तहरीर लिखा और खत लिखा दीवाने के नाम। उसने खत में लिखा, ओ मेरी आंख के दीवाने, जिससे तुम्हें प्यार हो गया वो अमानत तेरे हवाले करती हूं। चाकू उठाया, दोनों आंख निकाला और उस कपड़े के टुकड़े में रखा, लेटर उसमें रखा, नौजवान को भेजा और उस खत में लिखा कि ओ नौजवान, जिस आंख को दुनिया में गैर मर्द देख ले, वो आंख कयामत में अल्लाह को कैसे देखेगी? मेरा अल्लाह पाक है, मेरे अल्लाह को देखने के लिए आंख भी पाक होना चाहिए। कहने लगी, जब तुझे मेरी आंख प्यारी लगी तो मैं अपनी आंख तेरे हवाले करती हूँ। दोनों आंख को निकाला, नौजवान के हवाले कर दिया। इसे क्या कहते हो? अरे इसे क्या कहते हो? अल्लाह का डर। तो अल्लाह कहता है कि देखो, हमसे अगर डरोगे तो गुनाह से बचोगे, अगर नहीं डरोगे तो भगवानपुर वालों, बेंगलोर के मौलवी की तकरीर का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब दिल में अल्लाह का डर होगा। इसलिए कि जलसा सुनने के लिए आए हो
और दुकान पे खड़ा होकर किसी की बेटी पे तुम्हारी गंदी नजर पड़ रही है, ये इसलिए कि अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में नहीं है। तुम जलसा के नाम पर भी गुनाह कर रहे हो। लड़कियां औरतें वहां खड़ी है इसलिए कि ये समझती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख नहीं रहा है, मेरे गुनाह को देख नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह देखता ही नहीं। अगर जिस दिन इसको ये समझ में आ गया कि अल्लाह देख रहा है तो गुनाह करेगी। दोनों आंख निकाला, कपड़े के टुकड़े में रखा और उस दिल जले नौजवान की तरफ भेज करके क्या कहा कि जो आंख दुनिया में किसी गैर मर्द पे पड़ जाए वो आंख कयामत में अल्लाह को कैसे देखेगी। अब तुम लोग फैसला करके बताओ, रात की तन्हाई में जिन आंखों से तुम गंदी फिल्में मोबाइल में देखते हो, क्या उसी आंख से अपने अल्लाह को देखोगे? शर्म आ रही है जवाब देते हुए, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देखोगे? तो फिर क्या करना चाहिए? तौबा के पानी से आंख को धो डालो। क्या करो? अरे यार बोल ना यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मामला क्या है? भूख ज्यादा लग गई है? जवाब दो ना, दो चार लोग तो बैठे हो। हम सोच रहे थे भगवानपुर का जलसा अल्लाह अकबर 50-25 हजार लोग होंगे, घबराहट हो रही थी, मगर यहां तो देख रहे हैं तो सारा मामला ही उल्टा बना हुआ। और उल्टा क्यों नहीं होगा, जब एक एक गांव में 7-7 जलसा होगा तो और क्या होगा, यही होगा ना। अपनी आंख निकाला, नौजवान को दे दिया। खाला अम्मा ने पूछा, बेटा तौबा कर लेती, आंख निकालने की जरूरत क्या थी? आज के बाद तो कयामत तक अंधी बन करके जिंदगी गुजारेगी। बेटी कहने लगी, अम्मी जान बात तो सही है लेकिन सुनो, जब मैं कब्र से अंधी बनकर उठूंगी, मेरा अल्लाह पूछेगा तेरी आंख क्या हुई, मैं अल्लाह से कहूंगी मेरे अल्लाह गैर मर्द की नजर पड़ गई थी इसीलिए मैंने दोनों आंख निकाली। कि जिस आंख को गैर मर्द देख ले, जिस बालों को गैर मर्द देख ले, जिस औरत को गैर मर्द देख ले, कयामत के दिन उसकी खैर नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्ला, तुम अकेले रहो या भीड़ भाड़ में रहो, जहां भी रहोगे गुनाह से बचोगे तब जब तुम ये समझोगे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे, बोलो भाई, बोल दो, बोल दो, मेरा अल्लाह मुझे। हाँ, तो आदमी क्या होगा, बोलो, आदमी गुनाह से बचेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला बयक वक्त हर तरफ हर जगह हर हालत में सब कुछ देख रहा है, जान रहा है। याद रखो, जिस इंसान को दुनिया में ये दौलत मिल गई, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, यकीनन खुदा की कसम वो मुकद्दर का सिकंदर है। वो क्या है? हर
जगह गुनाह से बचने की कोशिश करता है, कहीं भी हमसे कोई गलत ना हो जाए, कहीं हमसे कोई कसूर ना हो जाए, कहीं हमसे कोई जुर्म ना हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे पकड़ ले। हमेशा डरता है। और जब आदमी डरता है ना अल्लाह से, तो अल्लाह उसका इनाम दुनिया में भी देता है और मरने के बाद भी, दुनिया में भी देता है और मरने के बाद भी इनाम देता है। याद रखो, दुनिया में अल्लाह क्या इनाम देता है कि तुम्हारे रिस्क में अल्लाह बरकत डाल देगा। क्या करेगा? ओ साहब इधर देखो ना, तुम्हारे रिस्क में अल्लाह बरकत देगा। कैसे बरकत? तनख्वाह बढ़ जाएगी ना, पैसा ज्यादा आएगा ना, फिर क्या होगा? ऐसे बरकत होगी कि घर में बीमारी नहीं आएगी। क्या नहीं होगी? हाँ देखो, 10,000 रुपये में घर में 10 मरतबा बीवी बीमार पड़ रही है, तो पैसा कहाँ चला गया? जब अल्लाह से डरोगे तो अब बीवी का बीमार होना बंद हो जाएगा, तो पैसा क्या होगा? यह है बरकत का मतलब। समझ में आया? ये क्या है? ये बरकत का मतलब। 1 किलो सरसों का तेल लाते हो, 1 हफ्ते के बाद बीवी फिर दरवाजे पे खड़ी होती है, कहां जा रहे? खड़गपुर। हां तेल लेते आओगे, खत्म हो गया है। अल्लाह से डरोगे तो ये 10 दिन में खत्म होने वाला तेल 15 दिन में खत्म होगा। ये है बरकत का। बोल भाई, ये बरकत का क्या है मतलब? सबसे पहली चीज, अल्लाह रिस्क में बरकत डाल देगा। आज हर बंदा ये कहता फिर रहा है, मौलाना रोजी में बरकत नहीं, रोजी में बरकत नहीं। बाप कमा रहा है, बेटा कमा रहा है, बीवी कमा रही है, बेटी कमा रही है, दामाद कमा रहा है, मगर कहता है कि पैसे का पता ही नहीं चलता। पहले जमाने में एक बाप कमाता था 200-250 रुपया, 10-10, 11-11 बच्चे को पालता था। आज 11 बच्चा कमा रहा है, एक बाप एक मां को नहीं पाल पा रहा है। तो सब भाई मिलके बारी लगाएगा, क्या ए बड़का नमक हराम, तू 10 दिन अम्मा को रख ले, हम अब्बा को रख लेते हैं। उसके बाद मझला वाला नमक हराम कहेगा, 10 दिन हम रख लेते, मां को 10 दिन तू रख ले। फिर छोटा वाला कहेगा, 10 दिन हम, 10 दिन तू। वाह वाह रे बेटे वाह, एक मां बाप मिलकर तुम 10ों को पाल लिया, और आज उस एक बाप, उस एक मां बाप का इतना खाना उसको 10 जगह बांटा जा रहा है। कयामत के दिन अल्लाह तेरा कीमा बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ, बचोगे नहीं। अल्लाह सब देख रहा है। पेट में जरा सा दर्द हुआ, शाम के वक्त मां ने गोद में हमको उठाया, अल्लाह की कसम सारी रात घर के आंगन में चक्कर लगाती रही कि मेरा लाल सो जाए। लगाई नहीं लगाई? अरे बोलना, मुंह में क्या रसगुल्ला रखा है? लगाई नहीं लगाई? सारी रात सोई नहीं? जब तू सोया, फिर प्यार से बिस्तर पे रख करके अम्मा आहिस्ता से तेरे गाल के पास अपना सर रख करके सो गई। उस गरीब को यह भी याद नहीं है कि रात का खाना हमने खाया या नहीं खाया। आज ये मां बीमार पड़ी, 10 दिन हो जाएगा दवा खत्म हुए। ये नमक हराम, हर दिन मां बोलेगी, बेटा दवा, बेटा दवा, बेटा दवा। मोबाइल रिचार्ज खत्म होने से पहले रिचार्ज होता है। मां की दवा खत्म हो गई तो महीनों गुजर गया, दवा नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो उस मां
जानता है जो मां आज बुढ़ापे में तुझसे एक गिलास पानी मांग रही है, बीमार पड़ी खटिया पर बैठी, बेटा पानी, बड़ा वाला चला गया, पीछे से बीच वाला है, बेटा पानी, ये भी चला गया, बहरा सांप है सुन नहीं रहा है, फिर छोटा वाला आया, बेटा पानी, ए दादी को पानी दे दे, इसके हाथ में लकवा मार दिया, लकवा समझते हो, हाँ, इसके हाथ में लकवा मारा है, इसलिए ये मां को पानी नहीं दे सकता है। तुम उस मां को जानते हो जो मां आज तुमसे पानी मांग रही है, तुम उस मां को नहीं जानते जिसने अपने सीने का दूध 2 साल तुमको पिलाया है। कितने दिन पिलाया? तुम उस अम्मा को नहीं जानते हो। अरे तुम उस मां को जानते हो जिस मां ने तुमसे कहा बेटा सारी पुरानी हो गई, एक कम कीमत की बाजार से सारी ला दे। तुम उस मां को नहीं जानते जिसने अपने शादी का जोड़ा तेरे पेशाब पैखाने में सड़ाया था कभी भी, उस मां को नहीं जानते। तुम उस मां को नहीं जानते जिस मां ने अपने गोद में तुमसे पेशाब भी करवाया पैखाना भी करवाया। तुम उस मां को जानते हो जो आज मोहताज बनकर तुमसे एक रोटी मांग रही है। तुम उस मां को नहीं जानते जो अपने मुंह से चिबा चिबा करके तुम्हारे मुंह में लुकमा डाला करती थी। समझो और ना समझ मत बनो। अल्लाह का खौफ जब इंसान के दिल में आता है तो दुनिया के अंदर रिज्क में अल्लाह बरकत देता है और सेहत में बरकत देता है। किसमें? लिख लेना इस बात को, सेहत में। हाँ, ये जो आज सुन रहे हो ना, ये फालिज, ये शुगर, ये बीपी, ये हार्ट अटैक, ये फलाना, ये ढेकाना, ये सारी चीज इसलिए आई कि अल्लाह का डर दिल से निकल गया। तो हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती आज हमारा साथ देने को तैयार नहीं। हर बंदे को शिकायत, कमाई बहुत है मगर रिस्क में बरकत नहीं। अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे डरोगे ना तो इतना रिस्क दूंगा, इतना रिस्क दूंगा, ऐसी ऐसी जगह से दूंगा कि तुम सोचे भी नहीं होगे कि यहां से रिस्क आता है। मोहम्मद इब्ने अकील नाम का एक आदमी था, नौजवान लड़का, गरीब घर का, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, खाने काबा का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते अचानक हीरे जवाहरात के एक हार पे नजर पड़ गई जो बैतुल्लाह के सहन में गिरा हुआ था। इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम के अंदर यह वाकया लिखा है। क्या हंगामा कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा इन लोगों की कहा। आओ भाई सामने सामने आ जाओ, ये फिजा मत बनाओ, अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है आपका और मेरा भी दूसरा प्रोग्राम अभी बाकी है। ऐसे करोगे तो दूसरा प्रोग्राम पेश नहीं करूंगा मैं। आराम से बैठो और मेरी मां बहनों जरा सुकून का माहौल बनाओ आप। अरे माइक वाला क्या बोल रहे हो? और माइक बर्बाद किए हुए है तुमसे। तो मोहम्मद इब्ने अकील कहते हैं कि खाने काबा में
मैं तवाफ कर रहा था कि अचानक अचानक एक हीरे जवाहरात के हार पे जो गिरा हुआ था ना, मेरी नजर पड़ गई। ए जलसा के बाद ठीक कर लो, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह भाई, साउंड तो ठीक कर दो, पूरा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। बैठो भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठो, अल्लाह के वास्ते जलसे को खराब मत करो भाई। भाई बैठ जाओ, मेहमान बता रहे हैं, बैठ जाओ। और माँ और बहनों से गुजारिश कि आपका ये आवाज बहुत आ रहा, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा। माँ बंदिर उद्देश्य बोलछी, जिनादेर जलसा सुनार उद्देश्य अपना एसछेन, चुपचाप करे बसे थाकुन। एत कड़ा कड़ा कथा बोलछेन, अपनारा सुनते पाच्छेन ना? आर जलसा जदि ना सुनते चान, माछेर बाजार करते चान, बाड़ी चले जान, परिवेशटाके नष्ट करेन नि। बांगला कथा एकदम बोले दिलाम, बुझे लिन। बहुत खूबसूरत जी, चुपचाप करे बसे थाकुन ना तो बाड़ी चले जान। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका, ये इसको कामयाब बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरे प्रोग्राम में यही होगा। हेलो हेलो हेलो। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इसको कामयाब बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो 12:15 हो गया है, थोड़ी देर का मसला और है। चैन सुकून से सुन लो प्रोग्राम को। देखो पता नहीं क्या कर रहा है, अल्लाह जाने। इनको दूर रख देनी चाहिए मौलाना, नजदीक में नहीं रखनी चाहिए। हेलो, माँ बंदर उद्देश्य बोला हच्छे, কমিটির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে দয়া করে ছোট ছোট বাচ্চা যাদের আছে তারা নিয়ে বাড়ি চলে যান। হাত জোড়ো করে বলা হচ্ছে, না হলে আমরা ভলেন্টিয়ার দিয়ে পাঠাবো। আরে জানে কে লিয়ে নেই কে রহা হুঁ, আগে আনে কে লিয়ে কে রহা হুঁ। আর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, আপনারা আগে আসুন, সামনে দিকে চলে আসুন। বারবার মেহমান বলছে, আপনারা পিছনে চলে যাচ্ছেন কেন, সামনে আসুন। चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मद। इसकी आवाज़ जा कहाँ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा है कि आवाज़ है क्या है नहीं है। आप लोगों को लग रहा है पूरी आवाज़ है? जलसे का माइक कहीं ऐसा होता है? आप लोगों को ठीक लग रहा है? चलो ठीक भाई, अब तुम हट जाओ, हट जाओ, एकदम हट जाओ। हेलो, ठीक है जी, माइक ठीक है। हेलो, थोड़ा इको, एक पॉइंट इको डालो। तो अब देखो, आप लोगों के झगड़ा ने मेरा दिमाग फेल कर दिया। मैं कहां से छोड़ा था मेरी समझ ही में नहीं आ रहा, अब कहां से शुरू कर रहे हूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इब्ने अकील नाम का एक नौजवान जो बैतुल्लाह के साये में तवाफ कर रहा था, बिल्कुल छोड़ दो, सही है, आप हट जाओ वहां से, हट जाओ, आप छूना नहीं उसको, मशीन को, आप बिल्कुल सही है। अचानक तवाफ करते हुए उसकी नजर एक हीरे के हार पे पड़ गई। किस पे? देखो मैं तकरीर में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस बात को दिमाग में रखना कि अल्लाह से डरोगे ना तो अल्लाह रोजी का इंतजाम करेगा, और ऐसी जगह से करेगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि यहां से रिस्क बंदे को मिलता है। यह वाकया सुनो और आपके समझ में आएगा कि वाकई में अल्लाह ताला रिस्क का इंतजाम कैसे करता है।
तो इब्ने अकील कहते हैं कि वो हीरे का हार जो गिरा हुआ था और पूरा बैतुल्ला लोगों से भरा था, अगर मैं उठा लेता तो किसी को पता चलता क्या? नहीं ना। इब्ने अकील ने ये उठाया हार को और वहीं पे खड़े हो, करोड़ों का हार था वो, कितने का? करोड़ों। और ऐलान करने लगे कि भाई किसी का हार गिरा है, किसी का हार गिरा है तो ले लो। थोड़ी देर में एक दोनों आंख से नाबीना बूढ़ा आदमी आया और आकर कहने लगा, बेटा ये हार मेरा है और मेरे थैले से ये हार गिर गया था, लिहाजा मेरे हवाले कर दो। इब्ने अकील के दिल ने कहा कि यार ये तो अंधा था, और भी पता नहीं चलता अगर उठा लेते तो। बहरहाल उस नाबीना को उन्होंने हार दे दिया। तवाफ मुकम्मल किया, उम्रा मुकम्मल हुआ, इब्ने अकील मदीने से निकल गए, मक्के से निकल गए रोजी रोटी को तलाश करने के लिए इराक की तरफ, बसरा की तरफ। कहते हैं कि मैं जंगल जंगल होता हुआ एक गांव में ऊपर हुआ तो देखा कि वहां अजान की आवाज आ रही है। क्या रही है? कहते हैं कि मुझे नमाज तो पढ़ना ही था, मैं ढूंढता हुआ बस्ती के अंदर गया तो लोगों ने कहा कि मौलाना साहब इस मस्जिद के इमाम साहब का दो चार दिन पहले इंतकाल हो गया है, इमामत के लिए कोई नहीं है, आप जरा नमाज पढ़ा दीजिए। इब्ने अकील कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ और नमाज पढ़ा दिया। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत आवाज दिया था। क्या दिया था? और जब खूबसूरत आवाज पर इंसान खुद भी खूबसूरत हो तो उस पर सोने पर सुहागा। अरे बोलो ना भाई, आदमी भी खूबसूरत हो उसकी आवाज भी खूबसूरत हो तो फिर क्या कहने। लोगों ने कहा कि मगरिब पढ़ा दिया तो ऐशा भी पढ़ा दो, तो इब्ने अकील ने ऐशा भी पढ़ाया। फिर लोगों ने कहा ऐशा पढ़ा दिए तो फजर भी पढ़ा दिया। तो फजर के बाद मस्जिद की कमेटी, गांव के लोग बैठ गए और सब ने आपस में मशवरा किया कि भाई इसको भी रोजी की तलाश है और हमको भी इमाम की तलाश है, एक काम करो इसी बंदे को रख लेते हैं। क्या करते हैं? इसी बंदे को रख लेते हैं। रख लिया। रहना सहना इतना अच्छा था कि गांव को लोगों को पसंद आ गया, दिल में उसके जगह बन गई। तो कुछ दिन के बाद लोगों ने कहा कि इमाम साहब ये जो इमाम थे पहले इनके पास एक नौजवान लड़की थी और अभी वो है, इमाम साहब उस बच्ची की शादी करना चाहते थे और ऐसा लगता है कि आपकी भी शादी हुई नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची से आपका निकाह कर दिया जाए। तो इब्ने अकील ने कहा कि आप जो बेहतर समझें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। शादी हो गई। क्या हुई? इब्ने अकील कहते हैं, मौलाना तवज्जो करना, सुनने में बड़ा मामूली बात है लेकिन अल्लाह के कुदरत का अंदाजा लगाओ कि जब मेरे रब का डर इंसान के दिल में बैठ जाता है और जब इंसान अपने अल्लाह से डरने लगता है तो फिर अल्लाह दुनिया की गुलामी से आजाद करके अपने गैब से रोजी का दरवाजा खोल देता है। इब्ने अकील कहते हैं कि जब शादी की पहली रात थी और मैं अंदर गया अपनी दुल्हन से मिलने, शादी की पहली रात जब अंदर गया अपनी बीवी से मिलने, और कहते हैं कि जाने के बाद जब मैंने उसके पेशानी के बाल को पकड़कर दुआ पढ़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे शादी की पहली रात में दुआ का क्या मतलब? मगर मेरे नबी की सुन्नत यही है। क्या है? बोलो भगवानपुर वालों, वरना बहुत पछताओगे। अगर मैं
अपनी बातों को लेकर वापस चला गया। आप पछताते रहोगे, याद रखना, मेरा साथ दोगे ना तो मैं बहुत कुछ आपको सुनाऊंगा, साथ नहीं दोगे तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। सुन्नत क्या है? मेरे नबी की सुन्नत यह है कि शादी की पहली रात जब हो तो कोई खुशबू और कोई मीठा, ये दो चीज लेकर के अपनी नई नवेली दुल्हन के घर में जाया करो। क्या लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमाने की औरतें बहुत समझदार हैं, तो हमारी फूफियां, हमारी खाला, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी वालदा ये सारा इंतजाम पहले से अंदर में करके रख देती है। खुशबू फूल है, इतर है, मिठाई है या मीठा दूध है, ये चीज मेरे आका ने फरमाया कि वो एक लड़की जो अपनी कायनात छोड़कर आई है, माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, घर को छोड़कर, बहन को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बचपन के घर को छोड़कर, महल्ले को छोड़कर, सहेली को छोड़कर आई है एक तुम्हारे लिए, तो तुम उसको इतना प्यार करो कि सबकी मोहब्बत को भूल जाए। क्या सबकी मोहब्बत को भूल जाए, ये किसने कहा? मेरे आका ने। और ये खासियत फूल के अंदर होती है कि फूल पहचान है मोहब्बत की। अरे कोई गुस्सा से मारपीट करके फूल ले आके देता है, लीजिए हम आपको बहुत मारे हैं, अरे बोलना, फूल देता है, ओ मिठाई का डब्बा, दो चार लात मारा, घुसम घुसम हुआ और उसके बाद कहा ये मिठाई लीजिए हम आपको बहुत मारे हैं। तो फूल जो दिया जाता है वो मोहब्बत की निशानी है, और मिठाई जो दी जाती है वो भी मोहब्बत की निशानी है। तो मेरे आका ने कहा कि अपने पहली रात की दुल्हन के लिए खुशबू लेकर जाओ, मीठा लेकर जाओ, और जाने के बाद चेहरा देखने के खोलने के साथ उसके सामने का पेशानी का तीन बाल पकड़ लो। कितना? और तीन बाल को एक हाथ से पकड़कर एक हाथ अल्लाह की तरफ उठा करके अल्लाह से कहो, क्या मेरे अल्लाह हम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। क्या कर दे? ए अल्लाह हम दोनों से नेक औलाद पैदा कर। देखो कितना प्यारा तरीका मेरे आका ने सिखाया। नहीं, जब ऐसा करोगे तो अब वो लड़की जो बेचारी अकेली आई है उसका हिम्मत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उसका दिल खुश होगा नहीं होगा कि मेरा शौहर इंसान है, क्या है, बैल नहीं है। जो बैल होता है वो क्या करता है, अंदर गया, जाते के साथ ये कपड़ा खोला और गले को चेक करना शुरू किया, हार है कि नहीं, हार, ए हार कहां, तेरा बाप लिखा था जहेज की लिस्ट में 3 तोला सोने का हार, कहां है? ये हुआ बैल का बच्चा बैल, ये शौवर नहीं है, ये गुंडा है, ये कौन है, चोर लुच्चा। कभी भी इसको दामाद मत बोलना, ये गुंडा है, ये कभी भी इसको बहनोई मत बोलना, चोर है ये। अरे जो तेरी बहन की पहली रात को जहन्नम बना दे ये बहनोई कहां से हो सकता है? जो हमारी बेटियों के शादी की रात की खुशियों को लूट ले लालच में, वो हमारा दामाद कैसे हो सकता है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इतनी गंदी हालत हो रही है हमारी। लखनऊ में एक शायर गुजरा है, डॉक्टर फानी बदायूनी, क्या नाम था, फानी बदायूनी, एक लड़की का बाप, न दूसरा कोई बेटा न और कोई बेटी, बड़े लाड से पाला था,
बहुत प्यार से पाला था बेटी को। जवान हुई, शादी का रिश्ता लगा, शादी भी हो गई। और जब एक बेटी थी ना, तो फानी बदायूनी ने जहेज भी दुनिया जहान का दिया, यहां तक के दामाद के सवारी के लिए घोड़ा भी दिया। और फानी बदायूनी जानते थे कि बेहुदा घोड़ा तो ले लिया है, मगर डोरी बांधने के लिए नहीं होगा, तो डोरी भी दिया जहेज में। जैसे कि आजकल बेग वाला, जरी वाला, मैकेनिक, ये वो है, पल्सर, पल ले तो लिया, बुलेट, अपाचे ले लिया, डेली 500 रुपया कमाता है। अब पल्सर लेने के टाइम इस बेवकूफ को यही नहीं पता था कि इसका माइलेज कितना आएगा। अब 4 दिन गुंडे की तरह भगाया है, मेदनापुर से खड़कपुर, खड़कपुर से मेदनापुर, धनादन धनादन धनादन। अचानक रोड में गाड़ी बंद हो गई, देखा तो पेट्रोल खत्म। अब ससुर को फोन कर रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया है। चोर का बच्चा, चोर, जब जेब में तेरे पैसे नहीं थे, हाथी खड़ा करने की जगह नहीं है, तो हाथी लिया क्यों? अब पेट्रोल का पैसा भी ससुर दे। अजीब लोग। तो सारा जहेज दिया डॉक्टर शकील फानी बदायूनी ने, अल्लाह अकबर, घोड़ा तक दिया, उसकी रस्सी दिया। खुशी खुशी बारात रुखसत होने लगी। जब बेटी गाड़ी में सवार हुई है, डोली में, तो फानी बदायूनी आहिस्ता से आए और अपनी बेटी के कान में एक बात कहा। क्या कहा? एक बात कहा, आखिरी बार। हजरत फानी बदायूनी ने अपने लगते जिगर के कान में आखिरी बात ये कह दी, मेरी बेटी आज तुम जा रही हो, ये घर अपना है, जब वापस आओगी तो अपना घर नहीं होगा, किराए का मकान होगा। बिटिया रोने लगी, बाबा ये क्यों कह रहे हो? फानी बदायूनी ने कहा, बेटी हाँ, बात यही है कि तेरा जहेज पूरा करने के लिए मैंने अपना मकान भी बेच दिया। आओ मुसलमानों, अपने औलाद की हिफाजत करो, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की अमानत है, तिजारत का सामान नहीं। बेटों को बेचना बंद करो, बेटा की तिजारत बंद करो, वरना अल्लाह को बुरा लगेगा, कयामत के दिन तेरा गिरेबान होगा, मेरे अल्लाह का हाथ होगा। बेटा, बेचने के लिए अल्लाह ने तुमको थोड़ी दिया है, जो उसका सौदा लगाते हो, बैल भैंस की तरह उसकी कीमत लगाते हो। शर्म करो, डोम मरो। आज लोग अपनी बेटियों के जहेज के लिए, बारात के लिए सूद पे पैसा लेता है। किस पे? सूदी पैसा लेता है, बैंक से कर्ज लेता है मौलाना जाकर के। ये हराम खाने के लिए बेटा पैदा किया था तुमने? फानी बदायूनी ने बेटी से कहा, तो सोचो कि उस लखते जिगर के दिल पे क्या गुजरी होगी कि मेरा बाप मेरे जहेज के लिए मकान बेच दिया। खैर, रुखसत हुई, ससुराल गई। शौहर साहब शाम में अंदर तशरीफ लाए, जाते ही के साथ उसने जहेज की लिस्ट में पढ़ा था कि 12 तोला सोने का हार, 12 तोला सोने का हार लिस्ट में पढ़ा था,
अंदर जाते के साथ बाप जन्म में कभी देखा नहीं था सोना, फौरन गया और बीवी का कपड़ा हटाया, सीने की तरफ ऐसे हाथ डाला, ए हार कहां है तेरा बाप, लिस्ट में लिखा है ना 12 तोला सोने का हार, कहां है? बेटी ने कहा कि खुदा की कसम मेरे बाप ने खरीदा है, शायद भूल गए होंगे शादी की भीड़ भाड़ में, कल जाएंगे ना तो वो लेकर के दे दूंगी, मैं लेकर आ जाऊंगी। कहने लगा नहीं तू झूठ बोलती है। बेटी ने कहा कि मेरे बाप ने जब से मुझे पैदा किया है मैं शायद कभी झूठ नहीं बोली हूं और आज भी नहीं बोलती हूं, एक दिन का टाइम दो। शौहर गरम हो गया, गरम हुआ तो बाहर आवाज गई, बाहर बैठी थी बुढ़िया जहर की पुड़िया, सासू मां, सासू हां, अल्लाह ऐसी सास से बचाए, हर बेटी को बचाए। बाज सास तो इतनी अच्छी होती है खुदा की कसम कि तुम बेटी को फोन भी करोगे तो आएगी नहीं, नहीं मेरी सास की तबीयत खराब है, मेरी सास बीमार है। बाज सास इतनी अच्छी होती है। अब बाज सास ऐसी होती है कि हर सुबह दोपहर शाम बहू दुआ करती है, अल्लाह इसका जनाजा कब उठेगा, अल्लाह इसको जल्दी मार दे। है नहीं, नहीं। तो बुढ़िया जहर की पुड़िया अंदर से आई, क्या रे क्या इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है, अम्मा देख इसका बाप लिखा है सोने का हार। आकर के देखा तो हार तो है ही नहीं। अब ये बुढ़िया लगी चिल्लाने तो बात चली गई उस लंगूर तक, वो ससुर लंगूर जो बैठा था बाहर, वो आया भागा, क्या रे ऐसी ऐसी बात है, अल्लाह अल्लाह फानी बदायूनी के जिगर के टुकड़ा के हाथ की मेहंदी का रंग भी अभी साफ नहीं हुआ था, तीनों ने मिलकर के उस मासूम को एक रात की दुल्हन को पकड़ा और आंगन में नीम का दरख्त था, उस नीम के दरख्त में ले जाकर रस्सी से बांधा, मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दिया। क्या किया? तुम भी ऐसा करोगे कभी? बोलो। नहीं नहीं, खुदा की कसम हर आने वाली बेटी, हर आने वाली तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, हर आने वाली बहू तुम्हारे जिगर की टुकड़ा होती है, वो तुम्हारी लाडली होती है। तुम बात को समझते क्यों नहीं कि बहू से ससुर का निकाह हराम है? क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है। जैसे अपनी बेटी से निकाह हराम है ससुर का, बाप का, ऐसे ही बहू से निकाह हराम है ससुर का। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने तुमको उस बच्ची का बाप माना है। तो बाप ऐसा होगा, बेटी को जलाएगा? बाप बन जाओ, आने वाली बेटी के बाबा बन जाओ, बहू के बाबा बन जाओ। खुदा की कसम उसकी एक दुआ तुम्हारे लिए काफी है, अल्लाह जन्नत दे देगा तुमको, क्योंकि सारी दुनिया छोड़कर आई है। कोई तो उसका सपोर्ट करो, या सास करो, या ससुर करो, या ननद करो, या शौहर करो, लेकिन जब सब मुखालिफ हो जाए तो सोचो कि उस मासूम की जिंदगी जहन्नम से बदतर होगी या नहीं। रहम खाओ बेटियों पे, रहम खाओ, अल्लाह तुम पे रहम खाएगा, तुम भी कभी बाप बनोगे। एक रात की सुहागन को आग लगाया, जलाया गया, धुआं उठा, पड़ोस के लोग आ गए, अल्लाह अल्लाह कल ही इस घर में शादी हुई है, आज ये हादसा कैसा। लोगों ने फानी बदायूनी को लखनऊ खबर करवाया, ओ फानी साहब आपकी बेटी जलकर राख हो गई। बाबा इंतजार कर रहा है, मेरी लाडली आएगी, मेरे जिगर की टुकड़ा आएगी, मगर क्या पता बाप को था कि बेटी के जिंदा लौटेगी नहीं बल्कि मैयत की खबर आएगी।
हजरते फानी बदायूनी अल्लाह अल्लाह दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पर गए और वहां जाकर कफन खरीदा। क्या खरीदा? कफन खरीदा और सीधा कफन को अपने बगल में दबाया और अपनी बेटी के घर गए। बाबा जब वहां पहुंचा तो देखा बेटी तो नहीं है, अलबत्ता उसका कोयला बना हुआ बदन रखा हुआ है। मैं कहता हूं नौजवानों, आज के जलसे के लिए बस इतना काफी है कि तुम कसम खा करके यहां से जाओ कि मेरा बाप, मेरी मां, मेरा खानदान अगर मांगा भी तो मैं अल्लाह के नबी के तरीके पर निकाह करके अपनी दुल्हन को लाऊंगा, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाथ उठाओ, वादा करो, गरीब की बेटी, यतीम की बेटी लेकर के आओगे? यहां जितना बैठा है सबकी शादी हुई है, कोई कमारा नहीं है इसमें? देखो ऐसी बद्दुआ देंगे ना जिंदगी में शादी नहीं होगी, वरना हाथ उठा, हाथ उठा। और ये वादा करो, मैं जो बोलता हूं दिल से अल्लाह से वादा करो, अल्लाह बोलो, अल्लाह मैं बिल्कुल फ्री में शादी करूंगा। कैसे बोलो भाई? बिल्कुल फ्री में, एक पैसे का जहेज नहीं। क्या बोलोगे? एक पैसे का जहेज नहीं, इंशाल्लाह। अब आप लोग रख दो, अल्लाह नेक बीवी आपको देगा, खूबसूरत भी देगा, खूबसीरत भी देगा। रख दिए? अरे बोलो भाई। अब वो लोग हाथ उठाओ जिसका इरादा दूसरी शादी करने का है। देखिए मौला कितना डर रही है कौम। अरे सुन्नत अदा करने से डरते हो तो हाथ उठाओ ना दूसरी शादी के लिए। मगर वही उठाए जिसकी बीवी नहीं आई है आज जलसा सुनने, वरना माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे दूसरी शादी करना गुनाह होना है का? ये तो नबी की सुन्नत है। मगर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां माहौल ऐसा बनाया गया कि जिना आसान हो गया, दूसरा निकाह मुश्किल हो गया। क्या हो गया? अगर एक औरत के शौहर का ताल्लुक किसी महल्ले के दूसरी औरत से हो, अब पता चले ये उसके साथ रहता है तो उतना बुरा नहीं मानेगी, लेकिन अगर मालूम हो गया कि दूसरी शादी कर लिया है तो ये कहेगी हमको फौरन भेजो, हम नहीं रहेंगे। यानी वो काम अच्छा है, ये काम गलत है। जो गुनाह था वो अच्छा हो गया, जो सुन्नत है वो खराब हो गया। ये हमारे मुल्क की वजह कर कि यहां हिंदुओं का असर है। किसका? इसलिए लोग दो निकाह, तीन निकाह, चार निकाह को क्या समझते हैं? गलत समझते हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, ये बहुत सही है। बात समझ रहे हो? बहुत सही है। क्यों सही है? इसलिए कि दो तीन चार शादी होती ना तो ये जो मौलाना जोड़ा सलामी का चक्कर चल रहा है ये सब खत्म हो जाता, लड़की शॉर्ट पड़ जाती, डिमांड हो जाता शुरू। लड़का वाला कहता यार चलो हम ढूंढते हैं, कहां मिलेगी कहां मिलेगी, आज लड़की वाला ढूंढ रहा है। बेवा औरतें, लाखों बेवा औरत पड़ी हुई है, शौहर का इंतकाल हो गया, जवानी में बेवा हो गई, कोई निकाह करने वाला नहीं। आज अगर लोग दूसरी शादी का रिवाज बनाकर होते तो आज कोई बेवा होती, सहारा मिल जाता उसे। लेकिन बहरहाल थोड़ी जिंदगी और बची है, आगे चल करके देखेंगे। और ये लाइव चला रहा, अल्लाह ना करे मेरे घर वाली भी देख रही हो, कहेगी हम दूसरी शादी कराते हैं तुम्हारी, आओ। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वादा करो अल्लाह से कि मैं बिल्कुल फ्री में शादी करूंगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो कफन लेकर के फानी बदायूनी पहुंचे अपनी बिटिया के घर,
तो देखा कि वहां बेटी तो नहीं, अलबत्ता कोयला पड़ा हुआ है। फानी बदायूनी ने कफन निकाला अपने पास से, हजरत थोड़ी देर और हजम कर लो मुझे, पौने दो घंटा तो हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना देर? पौने दो घंटा हुआ, 11 बजे से बैठा हूं मैं, कब से? वो 11 से पौने एक हो गया, तो पौने दो घंटा नहीं हुआ। अरे बोल भाई, तो अब बस करूं और सुनोगे? अच्छा माशाल्लाह, फजर तक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हिम्मत वाले हैं भाई आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। सात सात छह जलसा सुनने के बाद इतनी हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मेरे मोहतरम, तो फानी बदायूनी गए और अपनी बच्ची के जले हुए लाश के सराहने में खड़े होकर जेब से कफन निकाला और एक शेर कहा है। उस शेर के कहने के बाद फानी बदायूनी पागल हो गए और जिंदगी भर उसी हालत में रहे, बिलाखिर बेचारे की मौत आ गई। क्यों? इसलिए कि बेटी का सदमा बहुत बड़ा पड़ गया था उनको, बहुत ज्यादा। हजरत फानी बदायूनी ने सराहने में खड़े होकर कफन बेटी के बदन पे रख कर कहने लगे, अब आया याद ऐ, अब आया याद ऐ, आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद ऐ, आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में, मेरी लखते जिगर मेरी नूरे नजर, तेरे बाप का कसूर है तेरा कोई नहीं, सारा जहेज दे दिया मगर कफन भूल गया। मेरी लगते जिगर नूरे नजर, मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी बाबा को छोड़ दोगे, अगर ये यकीन होता तो मैं कफन भी जहेज में देता। आँख खोलो मेरी नूरे नजर, मेरे जिगर की टुकड़ा, आँख खोलो देखो देखो बाबा कफन लेकर खड़ा है। क्या अल्लाह ने हमें मुसलमान ऐसे कामों के लिए बनाया है? बोलो, अल्लाह ने मुसलमान हमें ऐसे कामों के लिए बनाया? जान बचाने के लिए मुसलमान बनाया है। किसके लिए? जान लेने के लिए नहीं। तो वो मोहम्मद इब्ने अकील कहते हैं, याद है ना, गेयर बदला था यहीं से। तुम लोग यार लगते हो कि तैयार नहीं हो, मूड नहीं हो रहा तुम्हारा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलो ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि बकरी हरा गए योग बैठा हुआ है, सोच में पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मोहम्मद इब्ने अकील, देखो पहले इमामत मिली, फिर बोलो बीवी मिली, रोजी भी मिली और बीवी भी मिली। तो वो शादी की पहली रात थी जब मोहम्मद इब्ने अकील अंदर गए, दुआ वगैरह पढ़कर अपनी दुल्हन के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मोहम्मद इब्ने अकील की आंख फटी की फटी रह गई। क्या देखकर? कि उस लड़की के गले में हीरे का जो हार पड़ा हुआ था वो वही हार था जो बैतुल्लाह में मोहम्मद इब्ने अकील ने उठाया था। समझे?
कौन हार था? इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में यूं बयान किया, वमन यत्तकिल्ला, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह का खौफ खाकर गुनाह छोड़ता है, यजअल्लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देता है, वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़क देता है जहां तक उसने कभी सोचा भी ना हो। कभी ख्याल नहीं आया, ये मोहम्मद इब्ने अकील ने कभी सोचा था कि ये हार जो आज मैं उठा रहा हूं ये मेरी दुल्हन बनेगी? बोलो, सोचा था? नहीं। लेकिन अल्लाह से डर कर जब अल्लाह के बंदे को अमानत दे दिया तो फिर अल्लाह ने उस हार का मालिक बना दिया। मोहम्मद इब्ने अकील खामोशी से बीवी को देखने लगे। एकदम लड़की ने कहा कि अल्लाह वाले क्या देख रहे हो? कहा कि मैं बहुत कुछ याद आ रहा है मुझे। कहा क्या हुआ? कहा कि ये हार और इसका वाकया ये है। तो लड़की ने कहा कि अगर ये हार वही है और तुम वही मर्द हो तो सुनो, फिर मेरे बाप की दुआ भी कबूल हो गई, तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई, मेरे बाप की भी, बोल, बाप की भी और आपकी भी। अकील ने कहा वो कैसे? वो मेरी कबूल हो गई कि अल्लाह ने रिस्क भी दिया, बीवी भी दिया, घर भी दिया, तेरे बाबा की दुआ कैसे कबूल हो गई? वो इमाम साहब की बेटी थी। कहने लगी मेरा अब्बा जब से उमरा करके आया, जब से उमरा करके आया, हर वक्त हर लम्हा हर पल बस यही दुआ करता था, मेरे परवरदिगार मेरी बेटी के लिए उस नौजवान के जैसा नौजवान पैदा कर जिसने मेरा हार वापस किया। मेरे रब मेरे मौला, वो लड़का बड़ा नेक है, वो बड़ा अल्लाह वाला है, ऐसा अल्लाह वाला लड़का मेरी बेटी का शौहर बना, मेरा दामाद बना। इसी को किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि दिल से जो आ, अरे दिल से जो आ निकलती है असर रखती है। दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जब यहां से निकलती है तो रब भी, बोलो, रब भी सुनता है। यहां से निकलेगा तो यहां, हम लोग यहां से निकालते हैं, वो चार अंगुल की जबान है ना, ए अल्लाह ऐसा, ए अल्लाह वैसा, ए अल्लाह ऐसा, ये खाली यहां से निकल रहा है, यहां से नहीं। जिस दिन यहां से निकाल दोगे ना, रब का दरवाजा खुल जाएगा। याद रखो इस बात को। कहा के अकील आपकी दुआ इस तरह कबूल हुई कि आप रिस्क को ढूंढते थे, मेरे बाप की दुआ इस तरह कबूल हुई कि आप मुझे मिल गए, और आज के बाद ये हार के मालिक आप हो। कौन है? सबसे पहली चीज, अल्लाह का जब डर दिल में आता है मेरे मोहतरम, तो अल्लाह इंसान की जिंदगी से परेशानी उठा लेता है। क्या करता है?
परेशानी उठा लेता है। देखो ना कितने परेशान है हम लोग, डॉक्टर के यहाँ, इसके यहाँ, उसके यहाँ, उसका कर्ज, उसका कर्ज, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बीवी बात नहीं मान रही, बच्चा बात नहीं मान रहा, नौकर बात नहीं मान रहा, जानवर बात नहीं मान रहा। जिधर से देखो परेशानी परेशानी परेशानी। क्यों? इसलिए कि तुम अल्लाह की नहीं मान रहे हो। किसकी? तुम अल्लाह की मान लोगे तो अल्लाह तुम्हारी भी मान लेगा। जब तक तुम अल्लाह की नहीं मानोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी नहीं मानेगा, और जब अल्लाह तुम्हारी नहीं मानेगा तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नहीं मानेगी, बच्चा भी नहीं मानेगा। हजरत अत्तार कहते हैं कि जिस रात में मेरी तहज्जुद की नमाज छूट जाती थी, सुबह उठने के बाद मैं अपने घोड़े पर उसका असर देखता था। क्या देखता था? गुनाह नहीं करते बल्कि तहज्जुद छूट जाती थी तो सुबह को मैं अपने जानवर पर उसका असर देखता था। कैसे? कहा कि जिस दिन मैं तहज्जुद पढ़ के सोता था, जब मेरा दरवाजा खुलता तो मेरा घोड़ा गर्दन झुकाकर मेरे सामने खड़ा होता था। जब मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता तो घोड़ा दूर खड़ा रहता, बुलाने पर भी नहीं आता था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ लो, आप समझ रहे हो? तो जब बंदा गुनाह करता है तो जानवर को भी पता चल जाता है, तो जानवर भी हमारी बात नहीं मानता, तो बेटा कहां मानेगा, बीवी कहां मानेगी, बाप कहां मानेगा, लोग कैसे तुम्हारी बात को मानेंगे जब तुम गुनाह नहीं छोड़ोगे, अल्लाह से डरोगे नहीं। तुर्की में एक बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत सारे फल के बाग थे उसके, काजू का बाग, बादाम का बाग, अखरोट का बाग, खजूर का बाग, केले का बाग, आम का बाग, सेम का बाग, संतरे का बाग, बहुत बड़ा अरबों खरब पति था उस जमाने में, आज से तकरीबन 800-900 साल पहले। दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। क्या माहौल बना रहे हो यार स्टेज पे? बहुत लेट हो रहा है क्या? खत्म कर दूं? तो फिर आराम से बैठो। देखो मैं उठ रहा हूं, अपनी जगह बैठा हूं नहीं दो घंटे से, आप लोग उठ बैठ पता नहीं क्या खुजली हो रही है। मुझे ये चीज मेरे मिजाज के खिलाफ है, बिल्कुल इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल सुकून से मुझे आधा घंटा सुनना है, सुकून से सुनो। 15 मिनट सुनना है, सुकून से सुनो। मैं जबरदस्ती बोलना भी नहीं चाहता और सुनाना भी नहीं चाहता, लेकिन जितनी देर आपको सुनना है बिल्कुल दिल से सुनो। मैं यहां से बोलता हूं, आप यहां से सुनना पड़ेगा आपको। देखो भूल गया। तो बहुत बड़ा बाग था तुर्की में, उस बाग के रखवाली के लिए जिस बंदे को, नौजवान को उसके मालिक ने रखा था, उसका नाम था मुबारक। क्या नाम था? मुबारक। देखो ए भाई, एक काम करो, जिन लोगों को उठना है मैं 2 मिनट की फुर्सत मोहलत दे रहा हूं, उठ जाइए, जाओ जरूरत पूरी करके आ जाओ, चलो बीच में मत उठो। मुबारक नाम था, बाग की रखवाली के लिए उसको रखा गया था। एक दिन कयामत का धूप निकला, उसका मालिक आया और मुबारक को आकर के कहा कि बेटे बहुत प्यास लग रही है, जरा एक गिलास अनार का जूस निकाल करके लाओ। क्या निकाल कर लाओ? अनार का जूस निकाल कर लाओ। मुबारक गए,
एक अनार के टहनी को पकड़ा और एक अनार लिया और हाथ से निचोड़ कर गिलास में डाला है, कहा और मालिक को ला करके दे दिया। मालिक ने जैसे ही मुंह लगाया ऐसे ही फेंक दिया, कहा कि कम्बक 10 साल से मेरे बाग में रहता है, तुझे आज तक ये नहीं पता चला कौन अनार मीठा है कौन अनार खट्टा है, ये क्या ला कर दिया है? अब जवाब सुनो और अपने सर को जमीन पर धुनो बैठ करके। हजरते मुबारक कहने लगे, साहब सही में पता नहीं। मालिक कहने लगा 10 साल से रहते हो। मुबारक कहने लगे बात तो सही है मैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, 10 साल में मैंने कभी भी किसी हाल में भी आपके बाग का कोई फल नहीं खाया। देखो जैसे कब्रिस्तान में बैठे हो, देखे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम तो भाई ये सब पहले ही दे दिए होते हैं। अब इसके लिए फिर हम शुरू करें तो फजर तक बाकी कहां बयान करेगा बेचारा जो लोग आया है, कोई नहीं करेगा। अच्छा अब पैसा जो लगा है लाने में जाने दे, माशाल्लाह। चलिए रात हमारी बात हमारी, हटाइए सब कहानी। अब वैसे भी इस साल का आखिरी प्रोग्राम है ये, बड़ी किस्मत वाले हो आप लोग। पहली तारीख को इन लोगों ने कराया था, सद्दाम बैठा है, कौन गांव है जी? धूसिया वाले ने कराया था, पहली तारीख थी वो, किसकी? वो मार्च की पहली थी और आज 21 है, 22 से तरावी, 23 से तरावी, तो आखिरी प्रोग्राम भी मिदनापुर ही करा रहा है, समझ रहे हो? तो आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद तो रोजा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। रोजा तो आप लोग जानते ही होंगे किसको कहते हैं। रोजा कहते हैं सुबह दोपहर रात खाने पीने को, किसको? खाने पीने को। अच्छा खैर सबर करो। तो मुबारक ने कहा कि 10 साल की मुद्दत तो गुजर गई लेकिन मेरा पैदा करने वाला गवाह है कि मैंने आपके गिरे हुए फल को भी नहीं खाया है। जब फल गिर जाता था मैं वो फल भी आपको पहुंचाता था साहब, तो मुझे क्या पता कौन मीठा है कौन खट्टा है। इसे क्या कहते हैं? अल्लाह का डर। अल्लाह का आज तो लोग डंटी मारने लगा नापने तोलने में, तो बरकत आएगी खुशी मिलेगी। मां बेटे को चोरी सिखा रही है, 10 रुपया देगी बेटा, 2 रुपए का धनिया, 1 रुपए का मिर्ची, 2 रुपए का अदरक, दुकान से लेके आ जा। बेटा गया, अदरक ले लिया, मिर्ची ले लिया, धनिया पत्ता, दुकान वाला बेचारा कुछ लेने के लिए उधर गया, 150 ग्राम भागा वहां से, पैसा हाथ में, सामान भी हाथ में, घर गया। अम्मी मजा आ गया, क्या रे पैसा भी ले लिया सामान भी ले लिया। अब अम्मी उसको बुला करके पीठ ठोक रही है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो अम्मी जो है ना ये छोटा वाला चोर से गुंडा बनाना चाह रही है, क्या? गुंडा। अब जब ये बड़ा हुआ, बाप कुर्ता उतार के रखा, जेब से 100 टकिया गायब, अब पता नहीं चलता ये गायब हुआ तो कैसे हुआ, कौन किया? अम्मा जान ये वही बेटा किया है जो 10 रुपए में तुमसे शाबाशी मिली थी, वहां पर तुमने चोरी की ट्रेनिंग दिया था, आज गुंडा हो गया है, जरा होशियार रहो, सोती रहोगे गले से हार गायब हो जाएगा। इसलिए मेरी माओ को भी होश में आनी चाहिए, बच्चा बड़ा होकर के नहीं बनता, बच्चा बचपन में बनता है, कहां? अरे बोल भाई कहां बनता है? मां के पेट में बनता है, पैदा होने के बाद नहीं। 9 महीना जो अल्लाह मां के पेट में बच्चे को रखता है वो बनाने के लिए,
माँ हराम खाएगी बच्चा हराम खोर होगा, माँ झूठ बोलेगी बच्चा झूठा होगा, माँ चोरी करेगी बच्चा चोरी करेगा, माँ गाली देगी बच्चा गाली बकेगा, माँ दूसरे मर्द को देखेगी बच्चा आवारा पैदा होगा, माँ कुरान पढ़ेगी बच्चा हाफिज होगा, माँ नमाज पढ़ेगी बच्चा थानवी होगा, माँ रोजा रखेगी बच्चा शेख जकरिया होगा, माँ रोजा रखेगी नमाज तहज्जुद पढ़ेगी बेटा हसन पैदा होगा। नहीं समझोगे तुम, नहीं समझोगे, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके झोली में डाल रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए मेरी बेटियों, लाडली माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो कि फिर तुम्हारे घर से हसन हुसैन पैदा हो तो तुमको भी फातिमा बनना पड़ेगा, तुमको भी फातिमा, फिर हसन पैदा होगा हुसैन पैदा होगा, फिर दुश्मनों से करबला का मैदान आएगा, मुकाबला करके जीतेगा। मगर हाय रे मेरी माँ, अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम पे रहम करे, मौलवी का गला फट गया समझाते समझाते, मेरी माँ पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, तुम्हारा बाल पर्दा, तुम्हारा नाखून पर्दा, तुम्हारे हाथ की उंगली पर्दा, अरे तेरी आवाज पर्दा है, इतना इतना पर्दा, इतना पर्दा आवाज का कि अल्लाह ने कहा कि मेरा नाम भी जोर से मत लोगी, मेरा नाम भी, कुरान की तिलावत भी जोर से नहीं करना, मेरा नाम भी जोर से नहीं लेना। उलमा से पूछो, औरत अगर अजान दे दे तो अजान होगी नहीं होगी, क्यों? इसलिए कि आवाज पर्दा है। अजान की आवाज जब औरत की निकली, किसकी? तो चाय के होटल में बैठा हुआ शैतान बच्चा जल्दी से मोबाइल खोल के बैठ गया, अरे क्या आवाज यार, मजा आ गया, आय हाय क्या आवाज है, क्या आवाज है। ये बंदर को ये नहीं मालूम है कि आवाज किस चीज की है, अल्लाह नहीं सुनाई दिया, उसके आवाज की खूबसूरती उसके कान से टकराई जा करके। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मेरी, मेरा नाम भी जोर से मत लिया करो, समझ में आई? मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं आपको या नहीं, या ऐसे ही हम बोलते चले जा रहे हैं? कामयाब हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका की एक औरत ने दावत किया, बूढ़ी औरत ने, मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, ये जो मैं बोल रहा हूं, दावत किया रात के खाने की दावत, अम्मा आयशा सिद्दीका जनाबे रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी, दावत हुई, शाम में गई अम्मा, दरवाजे पे जब जाकर के खड़ी हुई तो अंदर से पाजेब की आवाज आ रही थी, पायल की आवाज, किसकी? जैसे कोई क्या है, अच्छा 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 इसका है, हम समझे जलजला आ रहा है। तो अंदर से आवाज आ रही थी पायल की, जैसे कोई चल रही हो, है ना? तो अम्मा अंदर नहीं गई, वापस घर आ गई, अंदर घर आ गई वापस। बूढ़ी माँ ने आदमी भेजा कि लगता है कि मेरी माँ नाराज हो गई, दावत पे क्यों नहीं आई? अम्मा आयशा ने कहलवाया, जाकर के कह दो कि उसके घर में कोई जवान लड़की पाजेब पहन करके घूम रही थी, उसकी आवाज बाहर आ रही थी। अम्मा ने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि आयशा वो कोई बड़ी लड़की नहीं है, बल्कि छोटी बच्ची के पाँव में वो पायल था और वो घर में खेल रही थी तो उसकी आवाज बाहर जा रही थी। अम्मा आयशा ने कहा कि ये तुम जानती हो कि ये आवाज छोटी बच्ची के पायल का है, लेकिन रोड पे चलने वाला तो ये नहीं जानता है ना। रोड पे चलने वाले का दिल तो बस यही कहेगा कि कोई हसीना चल रही है, कौन चल रही है? अब फिर उसकी आवाज कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तस्बीह पढ़ देगा खड़ा होकर।
इसलिए फरमाया कि तुम्हारे लिए पाजेब वो पायल वो जिसमें घुंघरू हो, हराम लिखा है इस्तेमाल करना शरीयत मोहम्मदिया के अंदर। घुंघरू वाला पायल मुसलमान औरत के लिए नाजायज और हराम है, सिर्फ इसलिए कि मर्दों की नीयत खराब होती है। मर्दों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर पे गए तो देखा कि दो तीन बाल टूटा हुआ जनाबे फातिमा के मकान के बाहर फेंका हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाल को उठाया और यूं लपेट कर उंगली में अंदर गए, फरमाया बेटा ये आपके बाल हैं। कहा अब्बू मेरा बाल है, अभी मैंने गुसल करके कंघा किया है ना तो वो शायद के गिर गया होगा। नबी ने फरमाया कि बेटा जब बाल कंघी में टूट जाए तो उस बाल को या तो दफन कर देना या जला देना, बाहर मत फेंकना, इसलिए कि तुम्हारे बाल में भी खूबसूरती होती है। औरतों के बाल में भी क्या होती है? नबी ने कहा दफन कर देना। हमारी बेटी क्या कह रही है? दफन की ऐसी की तैसी, हम तो पूरा खोल के ही चलेंगे, किसके बाप का क्या बिगाड़ा है, जा रही है नहीं खोल के। हाय 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 हाय, अल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी जब उसकी नजर मेरी बेटी के बालों पे पड़ता होगा तो अल्लाह कहता होगा बेटी तेरे रब को तेरी इज्जत की इतनी फिक्र है कि अपना नाम भी तेरे लिए जायज नहीं रखा कि तू जोर से ले, लेकिन खुद तुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं, चेहरे की नुमाइश, बाल की नुमाइश है, बदन की नुमाइश। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। तो हजरत मुबारक कहने लगे अल्लाह की कसम जब से मैं तेरे बाग में आया हूं 10 साल का जमाना गुजर गया लेकिन आज तक मैंने आपके गुलशन का, आपके बागीचे का, आपके बाग का कोई फल उठाकर खाया नहीं। का सच? का बिल्कुल? का क्यों नहीं खाया? बेवकूफ है। मुबारक ने कहा इसलिए नहीं खाया कि आपने मुझे बाग को रखवाली के लिए रखा था, मुझे खाने की इजाजत आपने थोड़ी दिया था, तो मैं आपकी इजाजत के बगैर कैसे खा लेता। आज क्या हो रहा है? बस मिल जाए, हराम का मिले, हलाल का मिले, चोरी का मिले, चमारी का मिले, लूट का मिले, घिसोट का मिले, फाथिया का मिले, 40वां का मिले, 11वीं का मिले, 12वीं का मिले, जहां का भी मिले बस जहन्नम में डालो, बाद में क्या है देखा जाएगा। कहा कि आपने मुझे बाग को देखने के लिए रखा था, फल खाने की इजाजत तो नहीं दी थी ना, मैं किस तरह आपका फल खा लेता। अब देखो जब अल्लाह से डरा तो क्या हुआ, बाग के मालिक ने कहा कि मुबारक अगर तुम अल्लाह से इतना डरते हो तो मैं आज से अपने बाग को देखने भालने के लिए किसी और को रख लूंगा, तुम चलो मेरे शाही मगर महल के बगल वाले कमरे में रहना और बस अल्लाह 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 करते रहना। रहा मसला तनख्वाह का तो अब जितना तुमको देता हूं उसका डबल दूंगा, सुभान अल्लाह, उसका डबल दूंगा, मेरे रब ने यही कहा था। वमन यत्तकिल्ला यजअल लहु मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, मुझसे डर मैं तेरे रिज़्क का इंतजाम ऐसा करूंगा कि तू सोचा भी नहीं होगा। मगर डरोगे तब ना अल्लाह से, हैं? रोजी रोजी रोटी रोटी, ए पागल ये अल्लाह के हाथ में है, किसके हाथ में है? तुम बस कोशिश करो और अल्लाह से डरते रहो।
कोशिश करो अल्लाह से, अल्लाह ऐसे ऐसे दरवाजा खोलेंगे ना तुम परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे अल्लाह कहां से आ गया है, अल्लाह कहां से आ गया है। दंग रह जाओगे। अचानक मेरे फोन पे नंबर पर रात के 12 बजे एक मैसेज आया, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं आपसे, सुनी सुनाई नहीं, रात के 12 बजे एक मैसेज का रिंग बजा। मैंने खोल कर देखा तो देखा कि फोन पे पर किसी ने 25,000 रुपया डाला है। कितना? मेरी समझ में नहीं आ रहा था, या अल्लाह ये डाला तो कौन डाला, क्यों डाला और कहां से डाला गया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, परेशान परेशान। मौलवियों को फंसाने के लिए भी तो डालते हैं ना लोग। दुकान का फोन पे गूगल पे जो पे भी है वो हाथ का हाथ मैसेज आता, दुकान का बता देता भाई ये दुकान का है, ये नए नंबर से 25,000 रुपया, एक दो रुपया नहीं। हमको यकीन नहीं आ रहा था तो हम बार बार आंख पर पानी लगा लगा के देखते थे कि 25,000 है कि 2500 है कि 25 रुपया है, देखा तो 25,000 है। खैर मैं अल्लाह के हवाले करके सो गया। सुबह ही सुबह एक बंदे का फोन आया, कहा मौलाना 25,000 रुपया मिला? मैंने कहा हाँ। कहने लगा ये आपका वो पैसा है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने आपसे कर्ज लिया था, आप भूल गए थे। बोलो भाई, कर्ज लिया था आप, एक दो बार आपने मुझसे मांगा लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, मेरे इनकार पर आपने तौबा कर लिया कि जा तुझे अल्लाह माफ करे, अब तेरे पैसे की मुझे जरूरत नहीं, मैं बेशर्म नहीं हूं। कहा कि आज मुझे अल्लाह ने दिया है मौलाना, किसी तरह आपका नंबर मेरे हाथ लगा और यह अमानत आपकी। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, अल्लाह से डरेगा ना, يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देगा कि आपके गुमान में भी बात नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूं, तजुर्बा कर लो, आप अमानतदार बनो, दयानतदार बनो, सच बोलो, अमीन बनो, अल्लाह रिस्क का इंतजाम करेगा। तुर्की ताजिर ने कहा कि मुबारक, आज से तुम बाग में नहीं रहोगे, तनख्वाह डबल दूंगा और मेरे शाही महल के बगल में तुम रहोगे, खूबसूरत मकान मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मुबारक चले गए, रहने लगे, इबादत करने लगे। अचानक एक दिन वो ताजिर आया, चेहरे पे परेशानी थी। क्या थी? चेहरे पे परेशानी थी। मुबारक ने पूछा कि मालिक क्या हुआ, आज कुछ आप ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहने लगा असल में मसला यह है कि मेरी इकलौती बेटी है, एक एक सब बोलो एक, अब ऐसे नहीं चलेगा, यहां से ऐसे नहीं चलेगा, अब साथ साथ बोलना पड़ेगा, इकलौती और बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं उसके निकाह के लिए, बादशाह के घर से, वजीर के घर से, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, लायर, जमींदार, ताजिर, हर तरफ से रिश्ते आ रहे हैं, मगर मैं और मेरी बीवी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि बेटी की शादी करे तो करे तो। हाँ, अब लग रहा है कि जलसा हो रहा है। मुबारक से कहा कि तुम फैसला करके बताओ कि किससे शादी किया जाए। मुबारक ने बड़ी जबरदस्त बात कही है मौलाना, नोट कीजिए, आप हजरात के काम आने की चीज है। मुबारक ने कहा कि असल बात यह है कि इस्लाम मजहब से पहले दो मजहब था। कितना? एक थे यहूदी और एक थे ईसाई। एक थे यहूदी और एक थे यहूदी। शादी करते थे अपने बच्चों की पैसे की लालच में। किसमें? ईसाई शादी करते थे हुस्न की लालच में। किसमें?
इसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम ने कहा ना पैसा चलेगा ना हुस्न चलेगा, बल्कि दीन चलेगा। क्या चलेगा? न शादी हुस्न की बुनियाद पर होगी, न शादी माल की बुनियाद पर होगी, बल्कि शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी। इसलिए लोगों, जब तुम अपने बेटे के लिए उसकी बीवी देखने जाओ तो सबसे पहले यह सवाल करना कि नमाज फजर की सुन्नत कितनी है और फर्ज कितनी है। उसके बाद कहना कि बेटी सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़कर सुनाओ, दीन की बुनियाद पर। फिर पूछो कि गुसल में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फर्ज हैं। मुबारक ने कहा कि मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और इस्लाम में जो रिश्ता तलाशा जाता है वो दीन की बुनियाद पर। कहा कि मेरे मालिक आपके लिए आसान है, ये तमाम रिश्तों में जो सबसे ज्यादा दीनदार आदमी है आप आंख बंद करके जाकर उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। मालिक घर आया, अपनी बीवी से कहा आकर के कि ये मुबारक, ये क्या ढोल बजने लगा यार, ये आवाज क्या आने लगा, हेलो देखो। मुबारक ने कहा, मालिक ने आया आकर के अपनी बीवी से सारा वाकया सुनाया कि मुबारक ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा ऐसा, कितनी अकलमंद औरत थी, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम मौलाना, मैंने जब किताब पढ़ा तो मेरा तो दिमाग नाच गया कि अल्लाह औरत भी इतनी होशियार समझदार होती है। परेशान हो गया। जानते हो औरत ने क्या कहा? औरत ने कहा कि अगर मुबारक ने यह बात कही है कि बेटी का रिश्ता दीन की बुनियाद पर होगा और दामाद का सिलेक्शन दीन की बुनियाद पर होगा, तो जाकर के मुबारक से कह दो कि मेरी नजर में इस वक्त अल्लाह की जमीन पर मुबारक से ज्यादा दीनदार कोई नहीं, फिर मैं अपनी बेटी का रिश्ता मुबारक से करूंगी और दामाद मुबारक को बनाऊंगी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। मुबारक, अगर तूने चोरी करके उस बाग का फल खा लिया होता आज तू बादशाह का दामाद नहीं बन सकता था। आज तू बादशाह का दामाद और इसकी पूरी दौलत का मालिक इसलिए बन रहा है कि तू बाग में रहता था, फल गिरता था, लेकिन अल्लाह से डर करके तू खाता नहीं था। तो अल्लाह ने तेरे लिए दरवाजे, अब उस बाग का मालिक होगा। क्यों? इसलिए कि उस मालिक के पास ना कोई औलाद है ना कोई बेटी है, जो है सब बेटी का। किसका? मालिक गया और जाकर के मुबारक से कहा कि आप ही के बात के मुताबिक, जैसा कि आपने कहा, मेरी अहलिया ने यह फैसला किया है कि आपसे ही अगर रिश्ता हो जाए तो बेहतर है, क्या आप मेरी बच्ची से निकाह करोगे? कहा बिल्कुल, कोई बात नहीं। निकाह हो गया। क्या हुआ? अब सुनो असल मजे की बात। अब देखो, निकाह के बाद एक लड़का पैदा हुआ उस घर में। अब वो लड़का जो पैदा हुआ तो आंख खोला तो देखा, अल्लाह, दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत, सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है। अब बाप के मरने के बाद कौन होगा मालिक? यही ना। तो दौलत के नशे में आवारा बन गया। क्या बन गया? शराब, जुआ, बड़े बड़े गुनाह करने लगा, बड़े बड़े गुनाह। पैसे थे ना, पैसे का नशा बहुत खराब होता है, अल्लाह ना किसी को दे, बहुत खराब। बाप की नजर पड़ी मुबारक की, मुबारक तो नेक थे अल्लाह वाले। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, मुसल्ला बिछाया,
नमाज़े तहज्जुद में मुसल्ला बिछा कर खड़े हो गए और अल्लाह से सजदे में कहने लगे, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा बच्चा अता फरमा, मेरे बच्चे की हालत ये कर दे जो मेरे आंख को ठंडक पहुंचाए। मुबारक रोता जा रहा है, अम्मी रोती जा रही है, दुआ करती जा रही है, नौजवान की आंख खुल गई। अचानक आंख खुली, देखा कि अम्मी भी रो रही है, अब्बू भी। हाय हाय, सुबह में उठा नौजवान और अपने बाबा से कहा कि बाबा मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तिजारत के लिए बाहर चला जाता हूं। बाप ने पैसे दिए तिजारत की गरज से, 12 साल के बाद वापस आया। कितने दिन के बाद? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। मुबारक दरवाजे पर आए, कहा कि बेटा वो जो पैसा लेकर के गए थे तिजारत के लिए, तो तुमने क्या किया? कहा अब्बा बहुत सौदे का तिजारत किया। कहा क्या किया? तो कहा कि अब्बा आपके उस पैसे से मैं मदरसे में दाखिला लिया और आज मैं मौलवी होकर आया हूं। क्या होकर? आलिम बन करके आया हूं। अब यहीं पर रुको, एक बात समझो, और मेरी इस बात पर मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बाबा जरा गौर करो। बच्चा आवारा है, शराबी है, जुआरी है, सारा गुनाह है। बाप ने मारा? नहीं। हाथ पांव बांध के पीटा? नहीं। नहीं ना, घर से भगाया? क्या किया? नमाज तहज्जुद में सजदे में सर रख करके अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना दे कि उससे मेरी आंख को ठंडक पहुंचे। अल्लाह ने दुआ कबूल किया नहीं? पता ये चला कि बच्चे को शरीफ बनाने के लिए माँ बाप का तहज्जुद में रोना। हाँ, वो जो सोचते हो ना 51 रुपया दे के तावीज से बेटा ठीक हो जाएगा, मर जाओगे ठीक नहीं होगा, याद रखो। तावीज आवीज से बेटा बेटी ठीक नहीं होता है, तुम्हारे आंसू जब जमीन पे गिरते हैं ना तब बच्चा ठीक होता है। 12 साल के बाद आलिम होकर क्या है, और कितना बड़ा आलिम बना वो मालूम? इतना बड़ा आलिम मौलाना कि इमाम आजम अबू हनीफा का उस्ताद बना है। इसी का नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इसी बच्चे का नाम है। किसका? इमाम आजम अबू हनीफा, जिसके हम मुकल्लिद हैं, जिसको हम मानते हैं, उसके उस्ताद में से हैं अब्दुल्ला इब्ने। तो मेरे उस पॉइंट को तो आपने अब तक नोट कर लिया होगा जो मैंने तकरीर के शुरू में कहा था कि अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह क्या करेगा? खुशी की जिंदगी दे देगा और रिस्क की तंगी को अल्लाह दूर कर देगा। कहा था ना, तो वही बात मैंने आखिर में आकर के साबित किया, नहीं किया जो मेरा दावा था। मैंने कोर्ट में आपकी अदालत में उसकी दलील पेश की। तो आज से अगर अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना चाहते हो, रिस्क की परेशानी से निकलना चाहते हो, रिस्क की तंगी दूर करना चाहते हो, तो क्या करना है? एक अल्लाह से डरो। अकेले में भी डरो, दुकान में भी डरो, बाजार में भी डरो, मोबाइल में भी डरो। किसी काम के लिए मोबाइल खोला, जहां कोई गंदी चीज आ गई फौरन उसे हटा दिए। यह हुआ तकवा और यह हुआ अल्लाह का बोल, अल्लाह का डर। और यह जो रमजान आ रहा है, यह जो रमजान आ रहा है, यह रमजान भी इसीलिए